गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये इंसान उस परमात्मा का एक अंश है यहां एक बात कहना चाहूंगा ये परमात्मा से ही पैदा हुआ है और परमात्मा से ही संचालित है। आवश्यकता है इसकी पात्रता को जगाने की। अगर इसकी पात्रता जग जाए, अब यहां मैंने कहा है पात्रता को जगाने की, जगाना शब्द बोला है मैंने, और क्यों बोला है, हमारी एक बहन शकुंतला, उसने मेरे से पूछा कि जो हमारे ध्यान का तीसरा चरण है, उस तीसरे चरण का जो उद्देश्य है वो समझ नहीं आ रहा। मेरा मन है कि मैं आपको उस तीसरे चरण को समझाऊं। मैंने अभी कहा आपसे ब्रह्मांड की शक्ति का नाम ब्रह्म है, ब्रह्मांड की शक्ति का नाम ब्रह्म है। अब ये पूरा ब्रह्मांड किससे चल रहा है? ब्रह्म से। ब्रह्म के दो अर्थ हैं, जो संसार को देखता है वो भ्रम में आ जाता है, भटकावे में आ जाता है, और जो शक्ति को देखता है वो शक्ति उसके अंदर अवतरित होकर के जो शक्ति को देखता, जैसे मैंने कहा अभी कहा आपसे, अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति नशा पी ले तो नशे की खुमारी उसके ऊपर चढ़ जाएगी या नहीं चढ़ जाएगी? वैसे ही ज्ञान के ऊपर अज्ञानता की परत चढ़ जाती है। याद रखना, अज्ञानता का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व ज्ञान का है। ज्ञान की कमी ही अज्ञानता है। हमारा संसार का, ब्रह्मांड का अस्तित्व ब्रह्म से है। ब्रह्म की शक्ति की कमी ही भ्रम है, भ्रमित होना है, भटकाव है, अज्ञानता है। ज्ञान से जीवन प्रकाशित होता है, ज्ञान से जीवन प्रकाशित होता है। पर इसमें प्रकाश कौन पैदा करता है? दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे संकल्प और शपथ के साथ कह रहा हूं, भक्त के जीवन को भगवान ही प्रकाशित करता है। जैसे हमारी चेतना पर लोभ मोह का खुमारी चढ़ जाती है,
ऐसे ही भक्त के ऊपर भगवान की खुमारी चढ़ जाती है। और याद रखना, भक्ति के रास्ते को हम प्रकाशित नहीं करते हैं, कान खोल करके सुन लेना, उसको भगवान ही प्रकाशित करता है। दो शब्द बोल रहा हूं, पहला शब्द है करुणा, करुणा। तुमने बहुत से भिखारी देखे होंगे, वो आपकी जेब खाली कराने के लिए अपनी अवस्था को फटेहाल कर देते हैं, जीर्ण शीर्ण कर देते हैं। मैंने देखा, घोर सर्दी पड़ रही थी और उस घोर सर्दी में एक भीख मांगने वाला नंगा था, बस लाज ढकने के कपड़े उसने पहने हुए थे। मैंने उसको देख करके अंदर की करुणा जगी और उससे कहा, कपड़े मैं देता हूं तुझे पहनने के लिए, सबसे पहले आवश्यक इस घोर सर्दी में भोजन से भी पहले आपको कपड़े की जरूरत है, मैं तुमको कपड़े देता हूं। परंतु वो कहता है, कपड़े तो मेरे पास है, ये तो मैंने भीख मांगने के लिए उतारे हैं। जब वो मेरे सामने आया तो अपनी सच्चाई को कहे बगैर नहीं रह सका। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, वो भिखारी सामने वाले की जेब को खाली कराने के लिए उसने अपना वो बाना बना लिया जिससे उसके ऊपर करुणा आ जाए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, पहला गुण बताया करुणा, कैसे जगे, कैसे जगे? वो तभी जगेगी जब व्यक्ति को तरस आएगा किसी पर, कितना दुखी है। दोबारे से बोल रहा हूं, उसके भी दो स्वरूप होंगे, एक वो होगा जिसको टाल दिया जाए, परंतु दूसरा होगा जिसमें आत्मा मजबूर करे, जिसमें आत्मा मजबूर करे वो सच्चा कर्म है, उसी को करुणा कहते हैं। ईमानदारी से निष्प्रह हो करके कोई उस काम को करेगा तो वो तभी ही करेगा जब उसकी करुणा जगेगी। जो बात समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझ लेना। दूसरा है अनुग्रह, अनुग्रह वो जो आपको मिलेगा वो केवल एक ही चीज से मिलेगा, समर्पण। अनुग्रह जो आपको मिलेगा वो मिलेगा समर्पण। अब मैंने आपसे कहा, भक्त के रास्ते को, मार्ग को भगवान प्रकाशित करता है, परंतु उसकी एक शर्त है, करुणा
और समर्पण, करुणा और समर्पण, भिखारी की तरह से दीनहीन नहीं बनना। अब समझिए, अगर आपकी करुणा जगेगी, व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, जब तक आपकी चेतना पर दुख क्रियाशील नहीं होगा, तब तक आप किसी पर करुणा का गुण नहीं जागृत करेंगे। किसी के लिए करुणा के गुण को आप जागृत नहीं कर सकेंगे। और जब तक करुणा नहीं जगेगी, धन दौलत की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मा की बात कर रहा हूं, आप अंतर आत्मा से किसी को कुछ भी नहीं देंगे। उस देने को कहते हैं अनुग्रह, बाहर से कहते हैं अनुग्रह और अंदर से कहते हैं समर्पण। यानी कि दोनों स्थिति में एक ही चीज काम कर रही है, दुख। दुख दुख से करुणा जगी और करुणा से समर्पण जगा, अनुग्रह जगा। जब ये दोनों जगेंगे, भोला भाला बच्चा सांसारिकता से नितांत अनभिज्ञ रहता है। बच्चे को अगर अकेला छोड़ दिया जाए कहीं जंगल में, वीरान में, तो वो अंदर से डरता है, बिछोह डर। उसके कारण वो भय खाता है। परंतु जन्म देने वाली मां पर उसको भरोसा है। और मां का भी स्वभाव बता रहा हूं, बच्चे का स्वभाव बताया, अब मां का स्वभाव बता रहा हूं। मां भी उसके विश्वास को टूटने नहीं देती है। वो मां जो अपनी नींद, अपने सुख, यहां धन दौलत की कोई बात नहीं चल रही है, मां अपने सुख, अपनी चैन, अपनी नींद, बच्चे के लिए सब कुछ त्याग देती है। इसी पर यह दुनिया टिकी है, इसी पर यह दुनिया टिकी है कि यहां कोई एक दूसरे के विश्वास को नहीं टूटने देता। बच्चा कमजोर है, छोटा है, अनभिज्ञ है, भोला भाला है, इसलिए मां उसके प्रति उतनी ही चौकन्नी रहती है। भूखी प्यासी निरालस्य रह करके वो अपने बच्चे के लिए अपने जीवन को बिताती है। किसके कारण? दुख के कारण। क्योंकि वो मां अपने बच्चे के दुख को समझती है। महसूस करती है। उस दुख का संचार उस मां की शक्ति के अंदर, क्योंकि आत्मा से उसको लगाव करती है। अपने बच्चे के लिए मां का समर्पण जग करके आता है। और मैं फिर से कह रहा हूं,
अपने रिश्ते के प्रति जिसका भाव नहीं जगता उसमें करुणा का गुण पैदा नहीं हो सकता। और जब तक करुणा का गुण पैदा नहीं होगा तब तक समर्पण की उम्मीद भी मत करना। बच्चा अपनी मां से तरह तरह की चीजें मांगता है, अपना हक जमाता है और मां भी उसको अपना हक उसका हक देती है। मां उसका हक उसको देती है जिसके सहारे वो अपनी सामर्थ्य को खड़ा करता है। ध्यान का तीसरा चरण हमें यही देता है। क्या देता है? सच को बताओ, सच को देखो। हमारी शक्ति तुच्छ है, तस्य वितुर्वरेण्यम की शक्ति महान है, वो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तस्य वितुर्वरेण्यम पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, मेरी शक्ति तुच्छ है। भाव तो जगे, अंदर का भाव तो जगे। गुरुदेव ने यही कहा है, आत्म चेतना और सविता की चेतना दोनों शक्तियां आपस में मिले, मंथन मंथन मंथन। पहला चरण मंथन, शिक्षा कला उद्योग कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, अंदर की रुचि बच्चे के अंदर होती है, पर उस रुचि को जो आकार देता है वो उसका शिक्षक ही आकार देता है, वो उसका मार्गदर्शक है। गुरुजन अपनी समस्त विद्याएं और क्षमताएं ऐसे बच्चे पर उड़ेल देते हैं जो केवल श्रद्धा और निष्ठा के सुदृढ़ बंधनों से अपने आप को अपने गुरु के प्रति बांध करके रखता है, अपने आप को उनके प्रति समर्पित करता है। बहन शकुंतला लेट आई है, आज मैं तुम्हारी ही बात को समझा रहा हूं, पूरी दोबारा से पूरे को सुनना और सबको कह रहा हूं सब सुनना, क्योंकि समय 20 ही मिनट का होता है जो पूर्ण होने जा रहा है, इसलिए मैं इसको दोबारे से अगले प्रवचनों में भी आपको साफ करूंगा, आपको बताऊंगा। उद्देश्य है आपकी जो चेतना है उसमें निष्ठा और लगन जग जाए परमात्मा के प्रति, निष्ठा और लगन उसके अंदर जग जाए
उसके कारण आपके अंदर समर्पण की स्थिति आ जाए। केवल कान से सुन लेना, केवल ये कान से जो ध्यान है उसको सुन लेना, उतने भर से काम नहीं चलेगा। समर्पण विसर्जन विलय, यहां से हमारी साधना शुरू होती है। बेटा विशुद्ध ज्ञान को वर्चस्व बोलते हैं, जिसमें किसी भी तरह की चालाकी ना हो और आपका स्तर क्या है वो उसी वर्चस्व से नापा जाता है कि आपका स्तर क्या है। एक बात सब याद रखना, समर्पण सरलता दोनों मनमोहक गुण हैं, दोनों मनमोहक गुण हैं, वो किसी के प्रति भी उन्मुख हो सकते हैं। जिसके अंतःकरण में ये गुण जग गए, उसके सांसारिक जीवन में करुणा का उदय हो जाएगा। बुद्ध भगवान को देखिए, उनका जीवन का आधार करुणा ही था, वो करुणा के अवतार थे, सागर थे, और एक गुण के कारण वो भगवान बन गए। अंतःकरण में करुणा जगे तो बताइए वात्सल्य उभरे बगैर रह जाएगा क्या? वात्सल्य तो आप समझती होंगी, महिलाएं तो अच्छे से समझती होंगी, जिसमें छाती फटने लग जाए वात्सल्य, अब इस बात को मैं ये कह रहा हूं, ये तो मैंने सांसारिकता की बात कही। अगर ये समर्पण हमारा गुरु और गायत्री के प्रति जगने लग गया तो आत्मा का जो सही चैतन्य स्वरूप है वो आपके अंदर जगेगा कि नहीं जगेगा? उसको जगाने के लिए ये ध्यान के चरणों को आपको समझाया जा रहा है। आप उस पर अपने आप को चलाना शुरू करें, ध्यान करिए। बसना शांत, अहंकार शांत, उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन प्रातःकाल पूर्व दिशा स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य,
सविता प्रकाश, ज्ञान प्रज्ञा। सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्मशक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास, ब्रह्म वर्चस्व उपास। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का, प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन समुद्र मंथन जीवन मंथन प्राण मंथन अग्नि मंथन 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 मंथन। मंथन मंथन से अंत ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन।
आत्मसत्ता का उद्गमन। कुंडलिनी का उद्गमन मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का उद्गमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का उद्गमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण, वेधन शोधन जागरण, सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रभेद शब्दभेद लक्ष्यभेद, वेधन शोधन जागरण, षटचक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, अज्ञाचक्र जागरण, स
षटचक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योग अग्नि का विस्तार, मूल आधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन,
मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, शुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन संवर्धन जागरण कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। युवाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण आत्म जागरण। ओम ओम तुम सो मा ज्योतिर्गमय, तुम सो मा ज्योतिर्गमय, तुम सो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार पंच कुंडलिनी जागरण के पांच चरण पंचोंकार। मुखमंडल पर फेरें, धीरे धीरे आंखें खोलें, आज की बात संपन्न।